ये भाई हरियाणा से हैं और इनकी गवाही ये है कि ये संतान की आशीष चाहते थे और ये चाहते थे कि परमेश्वर इन्हें बेटे से ब्लेस करे। ये भाई बताते हैं कि इन्होंने प्रॉफिट सुमनदीप जी से बेटे की आशीष के लिए प्रार्थना करवाई और जब प्रॉफिट जी ने इनके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने इनके ऊपर दया की और इन्हें बेटे से ब्लेस किया। हालेलुया, परमेश्वर ने इन्हें एक बेटे की आशीष दी जिसके लिए ये परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आए हम इनकी गवाही को सुने। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रॉफिट सुमनदीप प्रार्थना करता हूँ इनके नॉर्मल डिलीवरी होने पाए मेरे पिता और इन्हें बेटे से ब्लेस करो मेरे पिता। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं प्रॉफिट सुमनदीप प्रार्थना करता हूँ आपके नाम से, ये बेटे से ब्लेस हो मेरे पिता, इन्हें आशीष कर मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं सबसे पहला महत्व प्रभु यीशु के वचनों को देता हूँ। मैं अपनी गवाही सभी मसीह भाइयों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सभी भाइयों को जय मसीह की। मेरा नाम मनीष कुमार, गांव शाहबाद फरीदाबाद हरियाणा से। मैं अपनी इस गवाही को सभी भाइयों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं सुमनदीप पास्टर जी का भी धन्यवाद करता हूँ, मैंने उनके पास फ़ोन करा, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, मेरी वाइफ के लिए, और प्रभु यीशु मसीह जी ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। मैं सुमनदीप पास्टर जी का भी धन्यवाद करता हूँ, उनके पापा जी का भी धन्यवाद करता हूँ, उनके चर्च टीवी का भी धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और प्रभु यीशु मसीह जी ने हमारे जीवन में काम किया, हमें एक बेटे के साथ ब्लेसिंग दी, हमें एक बेटे के साथ आशीष दी। 1 अक्टूबर को मेरे बेटे का जन्म हुआ और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई, पर प्रभु यीशु मसीह जी ने फिर भी हमें ब्लेस किया, आशीष दिया, मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह जी ने जो हमने मांगा वो हमें बेटे के साथ उन्होंने ब्लेस किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह जी हमारे जीवन में ऐसे ही काम करते रहे। मैं सुमनदीप पास्टर जी का भी धन्यवाद करता हूँ, उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह जी सुनते हैं और उनके चर्च का भी मैं धन्यवाद।